सीतामढ़ी पुलिस थाना अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है, जहां 32 वर्षीय महिला पर तीन नराधमों ने बलात्कार किया। मामले में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। दरअसल पीड़िता नागपुर के बाहर की निवासी है। लगभग 3 सालों से पीड़िता और मामले का मुख्य अपराधी गाड़गे बाबा रोड रमना मारुति नंदनवन निवासी पिंटू उर्फ रत्नद्वीप रतिराम गजबी फेसबुक के जरिए दोस्त बने थे, जिसके चलते दोनों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। दो बच्चों के साथ जिंदगी काट रही तलाकशुदा पीड़िता को नौकरी की तलाश थी और इसी बात का लालच दिखाकर पिंटू ने पीड़िता को नागपुर बुलाया। वह रविवार को एमपी बस स्टेशन पर पहुंची, जिस वक्त आरोपी पिंटू पीड़िता को सामने रोड पर ले गया, जहां मौके पर मामले में निहित दो अपराधी फोर व्हीलर से मौजूद थे। दूसरा आरोपी, जिसका नाम कार्तिक ज्ञानीराम चौधरी उम्र 50 वर्ष और मेहंदीबाग यशोदरा नगर निवासी बताया जा रहा है, साथ ही साथ तीसरे दोस्त के साथ मिलकर तीनों ने महिला पर बलात्कार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सीतामढ़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिसके संज्ञान पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो तीसरे के प्रति खोजबीन जारी है। मामले की जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने। याच्यामध्ये एक 32 वर्षाची महिला फिर्यादी आहे। सदर महिला ही नागपूर शहराच्या बाहेर राहते। दिनांक 26 रोजी तिने पोलीस स्टेशन येथे येऊन तक्रार केली, त्याप्रमाणे तिची तक्रार दाखल करण्यात आली। सदर तक्रारीमध्ये तिने दोन आरोपींची नावं सांगितली होती। त्यातील एक आरोपी हा तिचा मित्र असून त्याने तिला इथे नोकरी लावतो या बहाण्याने नागपूर येथे बोलवले होते। ती एमपी बस स्टँड येथे उतरल्यानंतर सदर आरोपी व त्याचे दोन मित्र हे तिला मोटरसायकलवरती घेऊन नागपूर शहराच्या बाहेर गेले व त्या ठिकाणी तिला काहीतरी पाजून नशा केली व त्यानंतर तिच्यावरती अतिप्रसंग केला, अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली। या बाबतीत तक्रार प्राप्त होताच तत्काळ पोलीस स्टेशन सीतापट्टी येथे याबाबतचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सदर आरोपींचा शोध घेण्यात आला असून त्यापैकी दोन आरोपी हे मिळून आलेले आहेत, त्यांना अटक करून सध्या पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये आहेत। याच्यामध्ये आम्ही आता गुन्हा दाखल केलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक पिंटू गजबी या नावाचा एक आरोपी आहे, त्याचप्रमाणे त्याचे दोन मित्र आहेत। याबाबतीत आम्ही चौकशी करत आहोत आणि पुढील तपास करत आहोत। ही ओळख 2-3 वर्षापासून फोनवरून फेसबुकद्वारे व व्हॉट्सअपद्वारे त्यांची एकमेकांशी मैत्री आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।